किसका ये तुम्हारा है? तुम इसको नहीं मत मारो, कितना छोटा सा बच्चा है। पीछे जाओ पीछे। जी अच्छे से एक्टिंग करना है, डायलॉग्स याद है ना। चलो बेस्ट ऑफ लक, और मटका संभालना, मटका तुमसे भी हैवी है। थोड़ा हल्का। और ये क्या लेके आए हैं इतना बड़ा वाला? तो वो वाला सीन है जिसमें हमको मटका नीचे रखना है। और क्या 200-150 किलो है तो तू जल्दी खा। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा बैक जा रहे हैं। फ्रेंड्स आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा 3 मिनट से मेरे पिंपल्स हो गए थे, इतने बड़े बड़े दाने हो गए थे ना। स्किन क्राफ्ट के परचेज़ करने से पहले मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े, उसके रिजल्ट्स देखे, उसके बाद यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस देखे। उसके बाद मैंने सोचा कि इतने सारे प्रोडक्ट में जब मैंने इन्वेस्ट कर ही लिया है, एक बार मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। और जब पहले मैंने यूज़ किया 1 वीक में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन 2nd वीक के लास्ट टाइम एकदम यूज़ बिल्कुल फ़र्क पड़ने लगा और पिम्पल्स अब 100% ख़त्म हो गए। जितने भी पिम्पल्स थे सब ख़त्म हो चुके हैं मेरे, और सिर्फ इसके जो है मार्क्स रह गए हैं। और मार्क्स के इस प्रोडक्ट के सबसे खास बात यह है कि ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है, ये आपके स्किन के अकॉर्डिंग कुछ। सो फ्रेंड्स सबसे पहले जो फेस वॉश करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये रिवाइटलाइजिंग लोशन। दूर रखेंगे, इतनी डिस्टेंस पे रख के आईज को क्लोज करना है। 1 2 3 3 पंप लेना है। बस मैं इसी तरह से करती हूँ, पैट कर लेती हूँ, हाइड्रेट हो जाता है इंस्टेंटली। इसके बाद अगर आप कुछ अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। गाइस आप इसको परचेज कर सकते हैं। जो सारे फैब्रिक्स आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी दिनों से मैं इकट्ठा कर रही हूँ और इनमें कुछ कोशिश की है, कुछ मेरे है। स्टिच करने से पहले मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि स्टिच करने के बाद ये कैसा लगता है, आपको भी आइडिया हो जाए। जब आप कोई फैब्रिक खरीदना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ये कैसे बनेगा, क्या पता आपको कोई आइडिया मिल जाए। ये जो फैब्रिक है ना, ये देखिए, ये पहले से ही रखा हुआ था, इसमें नेट का ही फ्लावर बना हुआ है। और एक बार मैंने कशिश की गाउन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कशिश ने मना कर दिया, क्योंकि उसको कशिश को चुभने वाले कपड़े होते ना, उसको बिल्कुल पसंद। ये भी नेट मेरा पहले का ही पड़ा। मेरी जो भांजी छोटी सी, मैंने सोचा उसके लिए फ्रॉक बना दूंगी, स्पेशली मायरा के लिए ही रखा है, ये इसमें सोचा। और एक ये वाला है फैब्रिक, बहुत ही प्यारा सा कुर्ती का कपड़ा। देखिए ये वाला इस तरह, इसका कलर ना व्हाइट है ना ऑफ व्हाइट है ना ग्रे कलर है, बहुत ही प्यारा सा कलर। गिफ्ट के लिए है। ये वाली फैब्रिक मैं 2-3 हफ्ते पहले लाई थी, ये कशिश के लिए बनाने के लिए लाई थी। उसके मैं सोच रही हूँ जो गोल्डन वर्क है, और इसका मैं पतले पतले लेस लगा के उसको थोड़े से कम फ्लेयर वाले, मतलब अनारकली सूट टाइप कुछ बना दूंगी। तो इसका भी मैं कशिश के लिए कुर्ती ही बना दूंगी, क्योंकि इसका पैंट भी है सेम मैचिंग का, मेरे पास दुपट्टा भी है, और मेरे पास एक स्लीव भी है, लेके आई थी। ये स्लीव्स का कपड़ा है, बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है। तो ये एक ब्लैक कलर का मैं लाई हूँ अपने लिए कुर्ती बनाने के लिए। इसमें सेल्फ प्रिंट का काम है गाइस। कपड़ा इसका बहुत ही अच्छा है, उसका प्रिंट, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ बहुत अच्छा है। इसका क्या करूँगी मैं, एकदम सिंपल सा प्लेन सा एक लॉन्ग कुर्ती बनाऊंगी, और जिसके साइड्स में ये जो पिंक कलर है ना, ये पिंक कलर का पतला सा जो लेस दे दूंगी साइड्स में, नेक में और यहाँ स्लीव्स में। शरारा ड्रेस बनाऊंगी ना, वो है ये वाली फैब्रिक, बहुत ही प्यारी सी और बहुत हैवी लुक वाली कपड़ा है। इस शरारा का जो कपड़ा है ना, और इसमें मैं लेस डाल करके बनाऊंगी। मैं कैसे बनाऊंगी थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में एक शादी भी है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट है और बहुत ही लास्ट में इसको अच्छे से बनाऊंगी मैं। सिर्फ दुपट्टा मुझे मिला था, इसका जो दुपट्टे का जो प्रिंट है, कलर है, मुझे इतना पसंद आया था तो मैंने इसको ले लिया था। और इसमें का जो प्लेन स्काई ब्लू कलर है ना, इसका प्लेन कुछ सिंपल सा कुर्ती वगैरह कुछ बना। एक फैब्रिक ये पड़ा हुआ है मेरे पास, इसका मुझे मैचिंग का आज तक कुछ नहीं मिला, क्या बनाऊंगी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको भी किसी को गिफ्ट करने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे ना सर्दी पड़ चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक स्वेटर भी पहन रखा है, थोड़ा सा मतलब हल्का ही स्वेटर है, और साथ में मैंने स्टॉल भी लिया हुआ है। और ये देखिए नवी हाफिज जी आने वाले हैं, ये देखिए कितने बुरी तरह से सो रहा है। वो पीछे रूम में दिख रहा होगा, बहुत कशिश दिख रही होगी वहाँ पे। कैसे पढ़ना है सोचने में ज़्यादा टाइम लगा देती है। नवाज ने भी ले लिया है, इतना सॉफ्ट होता नहीं है मटीरियल। पहले मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने परचेज किया था ना, तो ये 200 का था, और अभी हो गया है इसका प्राइस 300 लगा। ये पर्दा लगा ही हुआ है, अच्छा लग रहा है। ये पर्दा थोड़ा सा शिमरी है, शाइनिंग है। ये इसमें शाइन पता नहीं लग रही है लेकिन शाइनी है ये थोड़ा सा। और गाइस आप लोग सोचते हैं ना कि मैं अलमारी, मेरी कबर्ड हमेशा ख़राब ही रहती है। हाँ, अभी देख फिर से ख़राब हो गई। आज मैंने थोड़ा सा सेट किया है आज इसको, और लाइट स्वेटर टॉप वगैरह निकाल लिए है यहाँ पे। और प्लीज़ डरना मत, डरने से पहले जो कमज़ोर दिल वाले अपने दिल को एकदम थाम के रखना। तो 1 2 क्यों, तुम्हारी सच्चाई पता लग जाएगी। 1 2 3 गाइस, ये देखिए, ये है कशिश के कपड़े। नवाज का तो चलो खैर मानते हैं, वो छोटा है अभी, उसने तो ये हाल कर रखा है। ये देखो, कशिश ने अभी फोल्ड किया है, इसका ये हाल है। देखिए फोल्ड करने पर ये हाल है, तो सोचिए फोल्ड नहीं करती है तो क्या हाल होता है इसका। नहीं होगी, यहाँ पे रखिए। ये नीचे वाले में भी कशिश का है, इसके अंदर भी रख रखे है उसने। थोड़ा नीचे करना। 9 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ अभी खिचड़ी, क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हमारा सारी सब्जियाँ जितनी है ना, एक कुकर बना रही हूँ। अभी बनने दे, ये डाल दूँगी मैं। ट्यूसडे को जो हमारे फ्रिज जो है ना बिल्कुल खाली हो जाता है, कोई भी सब्जी नहीं बची होती है, तो जो भी एक आध सब्जी बचती है ना उसको मिक्स करके मैं हर मंगलवार को खिचड़ी बना देती हूँ। लेकिन ये मैं दिन में बनाती थी, आज मैं रात को बना रही हूँ। और रात को जो है ना खिचड़ी खाना हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होता है। और अभी मेरी तबीयत भी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाया जाए, सब खिचड़ी खा लेंगे। बस कश नवाज के पापा को मैं रोटी दे दूँगी क्योंकि उनको शुगर की प्रॉब्लम है। इसमें आलू है, बैंगन है, मूली है और 2 बीन्स हैं और प्लस लौकी है। कल नवाज को रोल प्ले और क्विज है। क्या मैं बनाऊँ शेरवानी का बच्चा? बच्चा नैरेटर बना है, तुम नैरा बोलेगा, मैं बोलूँगा। मैं लड़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। मैं कहूँगा कितने मूर्ख हो तुम, तुम्हें तो चलना भी नहीं आता। यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी की हैंड राइटिंग दिखाना। अभी की ये वाली है, अभी और एक बार बदली है। बदल रहा है। तो आज नवाज हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करेगा क्योंकि इसके नेक्स्ट टर्म आने वाले हैं। अभी इसके लिए चैप्टर मैंने याद कर लिया। और ये टीवी तब तक चलेगा ना जब तक है जान, मतलब इसकी जो टीवी ऑफ करने की कोई लिमिट नहीं है। टाइम कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है यहाँ पे आजकल, फेवरेट यही चल रहा है। और बिग बॉस। सो ये बन गया हमारा खिचड़ी, अब हम इसको खाते हैं। इलायची इसमें पड़ा। फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे। अभी बज रहे हैं 1:20 हो रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हुए हैं। सुबह मैंने ये मेथी वाला साग बनाया था, ये मेरे हस्बैंड खाए। तो यहाँ पर मैं, नवाज और कशिश खाएंगे ये गोभी की सब्जी। गोभी और आलू बनाई है। बच्चे जब आ जाएंगे ना तभी लंच करूँगी, और उससे पहले मैं ये ओट्स खा लेती हूँ क्योंकि बहुत जोर से भूख भी लगी हुई है। और मैं ज़्यादा देर भूखे रह जाती हूँ ना, फिर एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो मैं ये ओट्स खा लेती हूँ और ये ओट्स ख़त्म करके 2-4 रील्स शूट कर लेती हूँ। ना मैं चाहती हूँ कि बच्चे जब नहीं रहे ना तभी मैं फ़ोन का काम, माँ बाप ज़्यादातर फ़ोन में टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर हम बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं कि आप फ़ोन पर ज़्यादा बिजी मत रहो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के सामने मैं कम से कम फ़ोन में एंगेज रहूँ। चलो रील शूट कर लेते हैं फटाफट से। मम्मी, मैं ना आज थक गया हूँ। क्यों? क्योंकि ना के टेस्ट के लिए और वो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद रोल प्ले। और क्या कर रही हूँ मम्मी? मैं तो ये मेथी का पराठा है पापा। अच्छा, झूठ। नहीं सच में ये मेथी का पराठा। देख मेथी है इसमें, मेथी का साग है इसमें डाले हैं। हाँ, अभी तो आलू का पराठा था। हाँ, वो जो तुमको दिया ना वो आलू का पराठा था। 1 मिनट। हाँ, ये तो आलू का पराठा है ना। ये देखो मैंने स्माइली बनाया है। मेथी का पराठा बना दे रहे। सुबह कह रहे थे कि मुझे मेथी का पराठा खाना है तो उनके लिए बना देती हूँ। और मैं नहीं खाऊंगी इसमें क्योंकि इसमें ऑयल डलेगा ना। मैंने बस चाय पी ली है, आप लोग खाओ। अभी हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। जैसे खा लो और कोशिश आ जाए तो कोशिश को भी दे दे। ओके सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ अभी। अगर डॉक्टर के पास जाए तो वहीं पे मिलती हूँ या फिर मैं वहाँ से आकर के मिलती हूँ। बाय। पंच कर देना है 1-2 बार। हाँ। इसमें क्रैक आवाज आएगी एकदम से, ठीक है? मतलब वो खोल जाएगी। हाँ। 953 हो गए। सो गाइस डॉक्टर को मैं दिखा लिया है, मेडिसिन वगैरह भी ले लिया, हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स बर्डपीस साहब के नाम पे दुआ फातिया वगैरह कराना था, तो इसके वजह से यहाँ पर मैं स्वीट्स लेने के लिए आ गई थी। 125 चलो यही वाला दे दो, मुझे यही चाहिए अब। हाँ बस, हाँ थैंक यू। कर देंगे तो फतेह कर देंगे, अरे हिलाओ मत। सो फ्रेंड्स इसी वाले स्वीट से हाफिज जी से फातिया करवा दी। मुर्गी मुंडा नाम है इसका। फ्रेंड्स 9:30 हो गए हैं, अभी जा रही हूँ मैं खाना। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं ब्लॉग की एंड कर रही हूँ, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहें और दुआओं में मुझे याद रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय।